नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। जैसे कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डीआरडीओ टेक्नीशियन एक को स्टार्टिंग से एंड तक लेकर चलूंगा और इस टाइम पर पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए ट्रेड टेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। आज हमारे सामने राजेश जी हैं, ये अपनी साइड से पूरी कोशिश करेंगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि ट्रेड टेस्ट आप लोगों का किस तरीके से होता है। इनके पास जो नॉलेज है वो फिटर टर्नर मशीनिस्ट की है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अन्य ट्रेड का भी अरेंजमेंट आप लोगों के लिए जल्द से जल्द कर सकूं। एक मुझे इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात बतानी है, ट्रेड टेस्ट को बिल्कुल भी लाइटली आप लोगों को नहीं लेना है। जिस तरीके से सीबीटी वन में अपना 100% आप लोगों ने दिया है, उसी तरीके से आप लोगों को अपना 100% अपने जो है ट्रेड टेस्ट में देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रेड टेस्ट में सफल नहीं हो पाए तो सारी की सारी मेहनत आप लोगों की खराब हो जाएगी जो आप लोगों ने सीबीटी वन में की है। बाकी रिजल्ट की भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, अभी जानकारी नहीं है, उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। बहुत बच्चे इस पर भी जो है वीडियो मांग रहे हैं, तो इस पर भी जल्द से जल्द चर्चा आप लोगों के लिए कर देंगे। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आप में से कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ट्रेड टेस्ट का भरपूर ज्ञान हो और बच्चों की मदद करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दे रखी है, आप मुझे उस पर अपना नंबर शेयर कर देना और मुझे जो है बता देना कि हम बच्चों की मदद करना चाहते हैं। मैं आपसे जो है जरूर कॉन्टेक्ट करूंगा, आपसे वर्चुअली या फिर पर्सनली मिलके डेफिनेटली बच्चों की जो है ट्रेड टेस्ट को समझाने में मदद करेंगे। बाकी राजेश जी आते हैं आपके ऊपर, आप समझाइए बच्चों को ट्रेड टेस्ट के बारे में, जितना आपसे हो पाता है इनको ट्रेड टेस्ट के बारे में अवेयर कर दीजिए क्या क्या संभावना होती है। एक चीज और, ये बेस जो है सेक्टर 9 को लेकर चलेंगे, ये एक टॉपिक आपका कवर करवा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीपल जॉब्स होती है और सारी को समझाना पॉसिबल नहीं है। ये एक को कवर करेंगे, उसी के बेस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन अपनी करनी है। ठीक है राजेश जी, स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान पर। दोस्तों, ट्रेड टेस्ट क्या होता है, कैसा होता है, ट्रेड टेस्ट पर आने से पहले कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, आपने आईटीआई में आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आपने प्रैक्टिकल दिया, प्रैक्टिकल के बाद आप प्रैक्टिकल के टाइम पे आपसे एग्जामिनर वाइवा लेता है। तो दोस्तों, टेस्ट टेस्ट कुछ नहीं होता, आपका प्रैक्टिकल ही टेस्ट टेस्ट है। और वाइवा जिस तरह से आपने वहाँ वाइवा लिया, एग्जामिनर ने वाइवा में जो क्वेश्चन पूछता है आपके टेस्ट से संबंधित, ऐसे ही टेस्ट टेस्ट में भी आपको एक टेबल दे दी जाती है कभी कहीं कहीं, और वहाँ पे फर्स्ट नंबर पर क्या है, सेकंड नंबर पर क्या है, थर्ड नंबर पर क्या है, वो वाइवा एक तरह से वाइवा होता है टेस्ट टेस्ट में, कहीं कहीं ये चीज पूछ ली जाती है। हालांकि डीआरडीओ सेप्टम 9 में ऐसा कुछ नहीं पूछा था। डीआरडीओ सेप्टम 9 पे हम चर्चा करेंगे आज फिटर टेस्ट पे, तो आपसे आप उसको देखिए और इससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा किस तरह से आपका टेस्ट टेस्ट लिया जाता है और क्या क्या हमें बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, ये हमारी कुछ इस प्रकार की ड्राइंग थी, हमको एक ड्राइंग दे दी जाती है, एक मैटर ड्राइंग के अनुसार हमें रॉ मटेरियल पकड़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है ये फ्लैट पीस ही हो, आपके को जिस तरह की ड्राइंग होगी उसी हिसाब से आपको हो सकता है यहाँ पे राउंड बार भी दे दिया जाए। तो यहाँ पे फिटर ट्रेड में आपको ज्यादातर फिटर ट्रेड में फ्लैट पीस का पर ही आपसे जॉब बनवाई जाती है। ये हमारी ड्रॉइंग थी कुछ इस प्रकार की, 50 mm यहाँ से हमारी लंबाई थी और ये 40 mm हमारी चौड़ाई थी, और कुछ यहाँ से ये राइट एंगल था हमारा 25, ये 25 mm और ये यहाँ से 24 mm, ये हमारी ड्राइंग थी। सबसे पहले हमें जब हम वहाँ ट्रेड टेस्ट देने जाएंगे, आपको ये ड्राइंग मिल जाएगी और ये मेटल मिल जाएगा वर्क पीस, तो इसमें सबसे पहले हमें ड्राइंग को अच्छे से रीड करना है। रीड करने का मतलब ये नहीं कि सर इसमें तो 50 mm यहाँ दिया रखा है, ये इसकी लंबाई 50 mm, 40 mm है, ये 25 और ये 24, इसमें क्या रीड करना है। इसमें दोस्तों रीड करना ये होता है कि हमारा ये 50 mm का है पूरा, ये हमारा 50 mm यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ 50 mm है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 40 mm। अच्छा दोस्तों, इसमें ये 0.02 mm प्लस माइनस का टोलेंस दिया गया होता है। आपकी नॉलेज बता दी टोलेंस, अगर कुछ हमारे साथी हैं शायद हो सकता है टोलेंस का इसका मतलब क्या होता है। टोलेंस का मतलब ये 50 mm है, अगर ये 0.02 mm है तो यहाँ से जो हमारी ये दूरी है ये 50 प्लस 0.02 mm, यानी कि 50.02 mm अगर इतने भी रह जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर इससे कम हो जाती है 0.02 mm, ये 0.2 mm 50 से कम हो जाती है, यानी 49.98 इतना। तो दोस्तों, ये इतने के बीच में हमें बनाना है जॉब को,
ठीक है, इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा हमें इतना इतने पे बनाना है। इसमें हमें परेशानी क्या क्या आती है, जब हमारी ये ड्राइंग होगी इसमें हमें कैलकुलेशन, हमने अपने माइंड में जब ड्राइंग को पढ़ते समय अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि हमें इतना पार्ट, ये हमारा पार्ट है जो दे रखा था ये बाहर निकालना था, तो इसमें ये पार्ट को हमें अपने दिमाग में कैलकुलेशन बिठा के रखनी है कि यहाँ से अगर 25 गया तो ये कितना बचेगा बाद में। तो इससे अब हमें इसको अच्छे से रीड करने के बाद हम आते हैं अपनी जॉब पे जो हमें मटेरियल दिया गया होता है दोस्तों। ये हमारा मटेरियल कुछ इस प्रकार का था, यहाँ से हमें जो मटेरियल था सबसे पहले हमें बेंच वाइज में बांधना है इसको, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इन दोनों को फाइल से अच्छे से प्रेस करना है, और इसको 90 में ये पॉइंट हमारा 90 इसको 90 में लेके आना है, और इसके फ्लैट को अच्छे से सरफेस इसको फेस को अच्छे से फाइल मारना है जिससे कि हमें मार्किंग मीडिया लगाते समय कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके इतना करने के बाद इस पर हम मार्किंग मीडिया लगाएंगे, उसके बाद जब तक हमारी मार्किंग मीडिया सूखेगी उतने बीच में हमें ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये दो पार्ट में दिया गया था टेस्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट में इतना जॉब बनाना था, सेकंड पार्ट में हमें लिखना था। जो हमारा फर्स्ट पार्ट इतना हो गया हमने मार्किंग मीडिया सुखाने के लिए रख दी, उतने बीच में हमारा टाइम खराब ना हो उतने टाइम में हमें एक काम करना है जिस जो कि हमारा लिखने वाला काम है कुछ इस प्रकार है। लिखना भी बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आईटीएम हम लिखते हैं बस उसी को ऐसी एज इट इज ऐसी लिख दो कि नहीं आईटीएम ऐसे लिखा था ऐसे नहीं दोस्तों, कुछ ऐसे इस तरह से नहीं लिखना कुछ इस तरह से। इसके लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, ये हमारा लिखने का काम है। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया हुआ सबसे तीन क्वेश्चन मैक्सिमम तीन क्वेश्चन देता है, जैसे फर्स्ट में पूछ लेता है कि टूल एंड इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, ये हमारा फर्स्ट हो गया, तो हमें कैसे लिखना है कि सबसे पहले आंसर नंबर दो का फर्स्ट और फिर ये हेडिंग, ये वाली हेडिंग डालनी है, उसके बाद हमें क्रम वाइज जो हमें टूल दिए गए हैं कि हमारे हमें क्या इस जॉब को बनाते हमें क्या क्या टूल की आवश्यकता पड़ी हमको ये टूल देखने हैं, जैसे हमें फाइल की जरूरत पड़ती है, हमें क्या बोल हमें मशीन हमें ड्रिल मशीन की कभी कभी ड्रिल मशीन की भी आवश्यकता होती है। ये आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया जा रहा है जैसे कि आपको वहाँ पे जितने भी टूल आप यूज करते हैं उनको लिखना है, ऐसा नहीं है कि बस यहाँ से आपको हमने ये टेलीग्राम चैनल पे दे दिया और यहाँ से आपको याद करके सर मैं तो सारे के सारे लिख दिया, नहीं दोस्तों जो आपको जितने पता हो जितने आपके पास हो टूल उनको ही लिखना है। जैसे पर लिखने का तरीका कुछ ऐसा इस तरह होना चाहिए कि फाइल है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पास फाइल लिख दिया, हाँ फ्लैट फाइल थी फ्लैट फाइल लिख दिया इतना लिख के आगे दोस्तों कुछ इस प्रकार लिखना है, फाइल फ्लैट बास्टर 300 mm और इसके आगे हम SCS हाई कार्बन स्टील, इसका ब्रीफ स्पेसिफिकेशन देना बहुत जरूरी है क्योंकि जिससे लगता है कि एग्जामिनर को बच्चे को कुछ आता है तो इससे आपके नंबर में कोई कटौती नहीं होगी। और ऐसा जरूरी नहीं सर आपने तो इंग्लिश में लिख दिया कि हमें मुझे इंग्लिश नहीं आती मैं तो हिंदी से जानता हूँ, तो आप हिंदी में लिखिए ना, कौन बोलता है कि आप इंग्लिश में लिखिए, आप हिंदी में लिखिए। ऐसा नहीं होता कि दोस्तों कि आप इंग्लिश में लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे और इंग्लिश हिंदी वाले को कम नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप इतना लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसा। और एक दोस्तों एक और बात, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप टूल पहले लिखें, इस टूल से पहले ये वाली हेडिंग लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन दूसरे का वन ही है, उसमें इंस्ट्रूमेंट और टूल अलग अलग ही लिखने हैं। तो दोस्तों इसमें हेडिंग डाल अगर पहले अगर या तो हम टूल लिख दें या फिर ये इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर दो का फर्स्ट ही है, इसमें दो ही चीज टूल और इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं है कि टूल और इसको मिक्स कर दें, नहीं नहीं अलग अलग हेडिंग ही डालनी है आपको। जैसे इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग आपने इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग डाली, सबसे पहले स्टील रूल आ गया 300 mm, हो सकता है वो 150 mm का भी हो, और इसके बाद ट्राई स्क्वायर 150 mm कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें शायद सेकंड के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाए आपको कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का मतलब हमने जब जॉब बनाया अपना उसमें जॉब में बनाते समय हमें क्या क्या लिखा, हमने सबसे पहले हमने क्या किया उसके बाद क्या किया उसके बाद क्या किया कौन कौन से ऑपरेशन किए वो चीज़ हमें लिखना होता है। ऐसा नहीं है कुछ भी अनाप शनाप लिख दो, इसमें सिर्फ इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आंसर नंबर दो क्वेश्चन आंसर नंबर दो का सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन जिसमें पूछा होता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, फिर उसके बाद ये हेडिंग लिखना है आपको, हेडिंग के बाद आपको नंबर वाइज या तो नंबर लगाइए या एक एरो का निशान लगा दीजिए या स्टार बना के आपको इस तरह से लिखना है। और कुछ इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट ही लिखने, ऐसा नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप लिखे जा रहे हैं, लिखते जाओगे आपका टाइम कंज्यूम होगा वहाँ पे जॉब लास्ट टाइम पे आप जॉब नहीं बना पाओगे और उस रेस से बाहर हो जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे पॉइंट है, चेक द साइज ऑफ द रॉ मटेरियल एज पर द ड्राइंग। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने जो मटेरियल मिला आपको जो रॉ मटेरियल मिला उसको सब ड्राइंग के अनुसार आपने साइज को चेक किया, कहीं हमारा साइज का साइज ड्राइंग के अनुसार कम तो नहीं है, और कम हुआ तो आप तभी बाहर हो जाएगा, अभी जॉब खराब हो जाएगी। तो अगर कम मिला हुआ है तो वहाँ पे आप अपने आपके पास जो पर्यवेक्षक है उसको बोलिए
कि सर मेरा ये जॉब का साइज कम है, मुझे दूसरा दीजिए, तो वो वहाँ पे दो आपको दूसरा देंगे। ऐसे इसी प्रकार आप 10 पॉइंट आप जिस जो जो आपने ऑपरेशन किए ऑपरेशन के अनुसार आप पॉइंट को लिख दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 पॉइंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो पर लेकिन फालतू का लिखते ही नहीं जाना, क्योंकि जैसे मुझे हिंदी आती है मैं हिंदी में लिखते जा रहा हूँ, क्योंकि जब उस टाइम हम लिखते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारा ज्ञान आता है, बहुत कुछ लिखते रहते हैं और हमारा टाइम खराब हो जाता है वहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड के थर्ड में हमें सेफ्टी आता है, तो सेफ्टी में आपको क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए, सेफ्टी में हम मैं बताता हूँ दोस्तों आपको सेफ्टी क्या क्या रखनी चाहिए। सेफ्टी में आपको आपने फाइल ली, उसका कहीं आपका हैंडल निकला हुआ तो नहीं है, जिससे अगर हैंडल निकला हुआ आप फाइल कर रहे हैं तो आपको लग सकती है, तो ये देखना है आपने टूल जो भी आपके टूल हैं और चेकिंग मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट को एक साथ तो नहीं कर दिया, उनको ऐसे इस तरह से लिखना है कि टूल को हमने अलग अलग जगह पर टूल को अलग रखा और इंस्ट्रूमेंट को अलग रखा। सेफ्टी में 10 पॉइंट कुछ इस प्रकार से आपने क्या क्या सावधानियां बरती उसको बनाते समय वो सब लिखनी है। उस जब ये हमारा लिखने वाला पोर्शन खत्म हो जाए पार्ट खत्म हो जाए उसके बाद हम आते हैं अपनी जॉब पे कि हमारी जॉब क्या थी, कैसे उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। दोस्तों ये हमारी ड्राइंग कुछ इस प्रकार की, ये 50 mm, ये 40 mm और यहाँ से ये 25 mm और ये 24 mm, ये हमारा वर्कपीस था जो कि हमें ये 90 ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये साइड और ये साइड हमने फिनिश कर ली थी और ये इसको अच्छे से 90 में बना लिया था और मार्किंग कर रखी थी हमारे उस टाइम। अब हम जाएंगे जहाँ पे हमारा वर्नियर हाइट गेज रखा हुआ मार्किंग के लिए, और वहाँ मार्किंग के लिए हो सकता है वहाँ भीड़ भी हो, इसलिए अगर भीड़ अगर है आपका नंबर लगता है कि नहीं ये बच्चा है बहुत सारे बच्चे एक ही उस पर लगे हुए हैं, तो उस समय हमको ये देखना है हम इसमें जल्दी से जल्दी मार्किंग फिर से आप ड्रॉइंग को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हम जल्द से जल्द आपकी किस तरह आप ड्रॉइंग को साथ में ले जाइए। अब जब हम इसको बेस मान के हम इसको करेंगे तो आप अपनी ड्रॉइंग को अपने सामने रखिए एकदम ऐसे ही, अगर इसको बेस माना है तो इसको इस हिसाब से बेस मान लीजिए अपने दिमाग में। तो इससे अब यहाँ से अब हम वर्नियर हाइट गेज में इसकी माप को लेंगे, हमने 24 माप लेने के बाद यहाँ से हमने लाइन खींची, इसको बेस माना है तो यहाँ तक खींचना आधे से ज़्यादा, तो ये हमारी ये वाली दूरी है 24 पे हो गई। अब इसको बेस मानेंगे तो यहाँ से हमें 25, अब ये यहाँ से हमें 25, ये अगर 25 गया यहाँ से हम इसको बेस मानेंगे 25 लेंगे तो ये 25 बचा, तो यहाँ पे आधे पे हमें इतना करना है, तो ये हमारा पोर्शन इस तरह इधर से हमें 24-25 हो जाएगा। इतना काटने के बाद जब हमारी ये इतनी मार्किंग हो जाएगी इस पर हम डॉट पंच और हैमर की मदद से इस पर जो हमें विटनेस मार्क लगाने हैं ना दोस्तों वो इसके एकदम मिड पॉइंट पे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, तो इससे आपको दिक्कत होगी आपकी जॉब खराब भी हो सकती है। इतना करने के बाद जब हमारे में लग जाएंगे तो हम हेक्सा और बुलेट की मदद से और फाइल की मदद से यहाँ तक इसको काट के बाहर निकाल देंगे इस पीस को। जब ये बाहर निकल गया तो कुछ हमारा पीस कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ऐसे इस प्रकार का दिखेगा। अब ये हमारी ड्राइंग थी और ये हमारा पीस बन के इतना हमने एक्सेस से काट के बाहर निकाल दिया। अब उसको चेक करते रहना, जब हमारा ये साइज हमारा इसके करीब हो फाइल से मारते समय तो हमको बार बार चेक करना है वर्नियर कैलिपर से। ये हमारा बेस माना था और एक ये बेस माना था हमने, इस बेस से हमें इस बेस को मापना है, तो ये हमारा अगर इसमें से हमारा 25 गया तो ये कितना बचा, ये हमारी डायमेंशन 25 है कि नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें इस बेस से मानेंगे हम डेप्थ बार से, अगर डेप्थ बार से हमें ये 24 है कि नहीं, ऐसा नहीं कि सर ये यहाँ पे मैंने 24 ये हमारा 24 कट रहा था 24 में ये 16 बचा मैं यहाँ से मापूंगा 16। दोस्तों यहाँ कुछ मेटल हमारा ये पूरे मेटल हमारा 40 का तो था नहीं, ये 45 का था ना, तो यहाँ पे ये अगर इससे नापेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा हमारा बेकार हो जाएगा, इसलिए हमें डेप्थ बार से ही मापना है। इस पॉइंट को हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मापना है और यहाँ से लेके यहाँ तक डेप्थ बार से, उसके बाद इस डायमेंशन को ये हमारा 50 था तो यहाँ इस बेस को यहाँ से बेस मानेंगे और वर्नियर कैलिपर के साथ इसको 50 mm माप लेंगे। और जो फालतू इसके बाद जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें यहाँ से जब मार्किंग करेंगे तो एक लाइन हमारे यहाँ से ये पूरी 40 पे होगी तो यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से हमें ये 16 हमारी है कि नहीं है, ये हमें जब हम ड्राइंग पढ़ेंगे अच्छे से, इसलिए मैं बोला था कि ड्राइंग को अच्छे से पढ़ना है और अपने माइंड में ये अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि हमारी ये वाली साइज कितनी की होगी ये वाली कितने की होगी, इस चीज़ के लिए माप लास्ट टाइम हमारे पास टाइम नहीं रहता इतना कि हम इसको बार बार मापते रहें और घिसते रहें इतना अच्छे से करना है। ये आपको कुछ कुछ छोटी छोटी बातें दोस्तों बहुत मदद करेगी और इस प्रकार से आपका जॉब आता है। मशीनिस्ट टर्नर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे जानकारी इसकी किस तरह से जॉब आया था। और दोस्तों जो भी जानकारी प्रोवाइड होगी इस चैनल पर आप जुड़े रहिए।
बाकी आशा करता हूँ दोस्तों जिनका जो है इनको जितना एक्सपीरियंस था इन्होंने अपनी साइड से ट्रेड टेस्ट के बारे में आपको बता दिया। जैसे कि मैंने बोला अन्य ट्रेड का भी आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि अरेंजमेंट कर सके, और ये इन्होंने एक बेस बताया है। आप ये मत सोचना कि एग्जैक्टली आपको वही चीज जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं मल्टीपल टाइप्स की जॉब्स होती है ना, तो हो सकता है कि आपको डिफरेंट चीज देखने को मिल जाए, लेकिन संभावना यह भी हो सकती है कि ये चीज भी देखने को मिल जाए, लेकिन चांसेस बहुत रेयर है कि आपको यही चीज देखने को मिले, लेकिन बस आपको प्रिपरेशन इस तरीके से ही करनी है। और दोस्त और ना सर, जब हमारा जब रिजल्ट फाइनल होगा ना, तब एक अच्छे से वीडियो पूरी तरह से हर चीज कंप्लीट करके जितना हमारे पास और भी टीचर्स जैसे आप लोगों की मदद करने के लिए एग्री हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास आते रहेंगे, बाकी ये तो है ही आप लोगों की मदद करने के लिए, और जैसे जैसे हमारे पास आते रहेंगे उतना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ये सर एक बेसिक नॉलेज है कि इस तरह से हमें ट्रेड टेस्ट होता है जो प्रैक्टिकल होता है। और बाकी मैं एक चीज इनको बताना चाहूंगा यार, कि जो बच्चे ऐसे हैं ना जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया जीवन में, या जिनको प्रैक्टिकल की ट्रेड टेस्ट की नॉलेज नहीं है, जैसे ही उनका अभी तो देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को जैसे रिजल्ट आएगा सीबीटी 1 का उसके बाद एक भरपूर समय मिलेगा। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका नाम आता है लिस्ट में, आप कट ऑफ में आ जाते हैं, तो आपको चाहे ज्यादा एक्सपीरियंस हो चाहे कम एक्सपीरियंस हो, कोशिश करना कि आप अपने आईटीआई से संपर्क करो, वो आपकी प्रैक्टिकल में जरूर मदद करेंगे। अगर वो मदद नहीं करते तो किसी को 1-2 हजार रुपए दो, वो डेफिनेटली आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल करवाने में आपकी मदद करेगा। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, बाकी आप चिंता मत करो, मैं भी अपनी साइड से लगा हुआ हूं, क्योंकि आपसे वादा किया था कि शुरू से एंड तक आप लोगों को मैं पूरी मदद करते रहूंगा। बाकी अन्य ट्रेड का जैसे मैंने बोला अरेंजमेंट कर रहे हैं, और ये जो इमेज है ना, ये हम लोगों ने मतलब ये जो पीपीटी है ये हिंदी में भी इन्होंने अपनी साइड से आप लोगों के लिए बना के रख दिया है, इसको मैं कल तक आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप ये मत सोचना कि ये जो यहाँ पर चीजें लिखी हुई आपको जो है यही देखने को मिल जाएगी, डिफरेंट भी चीजें हो सकती है, बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि ये चीज आपको 100% वहां पे देखने को मिले, बस एक बेस बताया आप लोगों को। आशा करता हूं इन्होंने जो आपके साथ शेयर किया वो बहुत बेहतरीन तरीके से शेयर किया, क्योंकि एक चीज मुझे और बतानी थी, अभी तक इन्होंने बच्चों को ऑफलाइन पेपर पेन की मदद से पढ़ाया है स्क्रीन पर, आज मैं इन्हें लेकर आया हूं पहली बार, लेकिन देखो कोई भी पेट से सीख कर नहीं आता, धीरे धीरे सबको एक्सपीरियंस आता है, ये भी एक्सपीरियंस जो है अपना गेन कर लेंगे, और आपको इनसे बहुत चीजें आगे देखने को मिलेगी, और ये कौन है क्या है इसके बारे में आप लोगों को मैं सब कुछ आगे चल के बताऊंगा, आपको खुद ही जो है पता चल जाएगा कि ऐसे व्यक्ति से आप लोगों को मैं ज्ञान दिलवा रहा हूं जिसने जीवन में कुछ किया है, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन आपसे बाद में करूंगा, अभी जस्ट आप नॉलेज लो और अपने ट्रेड टेस्ट की प्रिपरेशन करो। बाकी धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को, आप लोगों के करियर के लिए। थैंक यू।